jahan friends a very good morning to all of you uh, my name is navjot singh i am a former officer of the intelligence bureau and as you have noticed i, am, I have been taking your current affairs classes uh, and on this journey we will try to learn and try to imbibe certain skills which are required to qualify the exam so sirf padhne se say a ek overall ek perspective build carnabis rudi rata exam ke liye. एक ओवरऑल अप्रोच एक पॉजिटिव माइंड सेट और नेवर से ड आई एटीट्यूड दैट इज वट इज गोइंग टू हेल्प यू क्वालिफाइड एग्जाम सो दिस इज सो दिस विल बी कवरिंग वी आर कवरिंग एक्चुअली करंटली नवंबर का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं ठीक है और ये देखिए uh, हमारा जो अभी पीडिया का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा यू विल गेट इट एट अ गुड ऑफर राइट नाउ इट इज एट एक्चुअली अ बिग ऑफ राइट नाउ फोर ट्रिपल नाइन में आपको वन ईयर वन ईयर सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू गेट सो इट इज़ अ व वेरी गुड अपॉपर्चुनिटी फॉर फॉर यू ऑल ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द अइड एग्जामिनेशन ऑफ पंजाब नायब तहसीलदार फूड इंस्पेक्टर कॉपोरेटिव इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर एंड अदर एग्जाम्स एज वेल तो इन सब एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप ग्रैप करें इसको और इसके अलावा अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आपकी रिगार्डिंग एग्जाम रिगार्डिंग लेक्चर्स रिगार्डिंग पी डी एस यू नीड फॉर द लेक्चर्स यू विल भी यू कैन यू नो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन You'll get a WhatsApp link, from you can contact our team, from where you can get all the details. Alright, so let's start friends. I hope the Josh is high today and I hope you're doing really good. Just keep the momentum high, keep the, keep the energy high and so that we can, you know, qualify the exam. We have to is this time. So let's start. First is, which storm was recently, recently hits Northwestern Europe? विद टोरेंशियल रेन्स ठीक है कौन सा स्टॉम जिसने नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को हिट किया ये स्टॉम क्यान है सी आई ए आर ए एन आपको उसे स्टाम का याद रखना नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कौन सा हो गया ये इंग्लैंड यहाँ पे इंग्लैंड है आपका इधर फ्रांस है इधर पोर्टुगल जर्मनी है ना ये सारा एरिया है नीचे स्पेन है आपका तो उस एरिया में स्टॉम ने हिट किया स्टॉम का नाम है क्यान स्टैम सो so, स्टॉम बैठा द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप विथ टोरेंशियल रेंज कितना दो हज़ार दो सौ किलोमीटर की ज़्यादा की स्पीड से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ अब फ्रेंच शोर्स फ्रेंच है ना आपको बताया यहाँ पे फ्रांस की टेरेटरी आती है इतनी ज़्यादा स्पीड से आया स्लैमिंग द नदर टिप ऑफ फ्रांस अटलांटिक कोस्ट अब यूके के बीच में आपका इंग्लिश चैनल भी है वहाँ पे भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि स्टॉम हुआ कहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप फ्रांस इंग्लैंड उनकी टेरेटरीज को हिट किया और काफ़ी हाई स्पीड में नाम क्या है इसका स्टॉम कैरन बस दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी दैट हैज बैग्ड हंड्रेड परसेंट एफ डी आई इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट्स तो ऐसी फॉरेन कंपनी पहली कौन सी है जिसने हंड्रेड परसेंट एफ डी किया इंडियन डिफेंस में ये साब कंपनी का नाम है साब ये स्वीडन की कंपनी है ठीक है स्वीडन साब हैजिकम द फर्स्ट फॉरन कंपनी दैट हैज बैग्ड इन डिफेंस प्रोजेक्ट्स तो ये एक फैसिलिटी सेटअप करेगी इन द कंट्री ये क्या मैन्युफैक्चर करेगी शोल्डर फायर रॉकेट्स ठीक है जो शोल्डर पे रख के रखे गन्स फायर की जाती है ना ये शोल्डर फायर रॉकेट्स को डेवलप करेगी करंटली इंडिया अलोज ऑनली सेवेंटी फोर ठीक है अभी हमारा देखिए अब एफ डी आई क्या होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उससे फॉरन कंट्रीज के जो एंटिटीज़ हैं कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स में अभी हमने डिफेंस क्योंकि एक सेंसिटिव सेक्टर है हमने सिर्फ 74 परसेंट उसमें एफ डी किया है बट ये पहली कंपनी बन गई है स्वीडन की साब जिसके 100 परसेंट एफ uh, का इसको अपॉर्चुनिटी मिला है ठीक है बियॉन्ड दैट क्लियरेंस कैन बी ऑबेंड ऑन केस बाई केस बेसिस तो ये 74 परसेंट ऑटोमेटिक रूट पे है बट गवर्नमेंट अलो चाहे तो 100 परसेंट अलो भी कर सकती है जैसे गवर्नमेंट ने इस केस में किया है साब के केस में सो so, साब ऑफ स्वीडन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू बैग अ हंड्रेड परसेंट एफ इन डिफेंस मैनुफैक्चरिंग ऑल राइट बढ़िया चलिए आगे चलते हैं की गुड वे आगे बढ़ते हैं बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवॉर्ड किसको मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आरबीआई सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज बिन वॉटेड वॉट चेंज मेकर ऑफ द ऑफर अवार्ड ठीक है सो इट स्ट इंडिया पीरियड ऑफ पेंडेमिक जब कोविड आया देश में देश में क्या पूरे विश्व में आया कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन आया पूरे विश्व को हिला के रख दिया पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल द इंटायर वर्ल्ड आर्किटेक्चर वॉज इंटरप्टेड नो उसकी वजह से क्या हुआ इकोनॉमीज भी जैसे हमने पहले पढ़ा कि नेगेटिव ग्रोथ चली गई थी ट्वेंटी फोर परसेंट के अराउंड नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी उस टाइम पे जो हमारे आर के जो गवर्नर हैं एंड दी फिनेशियल यू नो उनकी एक्यूमन की वजह से जो लीडरशिप है आर में उन्होंने इन्शोर किया कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को ज़्यादा हिट ना हो उस वजह से उस चीज़ को रिकॉगनाइज करते हुए आर को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बिकॉज इट विल हेल्प इट विल हेल्प It will help की, ए, एक अच्छा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे तो ये आपको समझना पड़ेगा आर में थोड़ा सा पढ़ लें आप आर क्या होता है आर बी आई इंडिया सेंट्रल बैंक इट इज देंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ये देश की मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है जो हमारे बेस रेट्स होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है जो हमारे बेस रेट होते हैं बेस रेट्स जैसे हमारा सी आर आर या हमारा जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बेस रेट ये सारे रेट्स कौन डिसाइड करता है ठीक है आर और आर बी की हर दो महीने बाद बाई मंथली हर दो हर दो महीने के बाद एक मॉनिट्री पॉलिसी रिव्यू कमेटी बैठती है जो मॉनिटरी पॉलिसी के रेट्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए हर दो महीने के बाद दिस कमेटी सेट्स टू यू नो गिव अप अ यू नो अ गुड गुड आइडिया ऑफ द करंट जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट पर पैसा ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा है तो खींचना है पैसा वापस लाना है मतलब बैंकिंग सिस्टम से आर अपने पास लाएगा वो क्या करेगा सी बढ़ा देगा सी या एस सॉरी वो रेपो रेट बढ़ा देगा रेपो रेट बढ़ाएगा तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा लोन लेना मुश्किल होगा तो पैसा कम मार्केट में मार्केट से पैसा शक होगा रे, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो सरकार को लोन दे सरकार के आरबीआई के पास पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो ये एक बेसिकली हमने देख लिया ब्रीफली आर बी आई का रूंगा बाकी आप डिटेल में इसको आर के इंपॉर्टेंस को पढ़ें ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आना लाजमी है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन एम कवच अ बॉट इज अ बॉट रिमूवल टूल डेवलप बाय विच इंस्टीट्यूशन सी डैक सो सी डैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बॉट रिमूव बॉट क्या होता है बॉट क्या होता है बॉट्स आर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क तो ये एक तरह से ट्रोजन या स्पैमिंग के काम आते हैं डेटा डेटा स्क्रैपिंग या मिलीशियस एक्टिविटीज़ जैसे होते हैं ट्रोज़न हॉर्स जो एक बग छोड़ दिया आपके सिस्टम में आपके पास एक ईमेल आया आपने लिंक पे क्लिक कर दिया और आपका पूरा सिस्टम क्लोन हो जाता है तो हैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम तो उसी तरह से बग रिमूवल जो बॉट रिमूवल एक टूल डेवलप किया है सीडाक ने इसका नाम है एम कवच तो आपने याद रखना है नाम नाम याद रखना है एम कवच टू एम कवच टू किसने बनाया सी डैक ने ठीक है सी डैक ने बनाया ठीक है द नेम ऑफ द ई स्कैन डिवेलप्ड बॉट रिमूवल टूल फॉर दिस इज़ ई स्कैन सर्ट इन बॉट रिमूवल ठीक है सी डैक इज हैदराबाद बेस्ड एंड्रॉय कंपनी इट्स अ कंपनी इन बेस्ड हैदराबाद ठीक है एम कवच टू बनाया इसने और दूसरा जो ई स्कैन डिवेलप किया है बॉट रिमूवल के लिए उसका नाम है आपका ई स्कैन ट क्या है अब सर्ट आपको थोड़ा से जल्दी से बताएंगे सी ई आर टी सर्ट इन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है ये कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ये हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसकी वजह से आप एक अच्छे से जो थ्रेट्स हैं साइबर थ्रेट्स हैं उनको डील कर पाते हैं एक आई फोर सी है फिर और भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे टैलेंट मैनुअल है आपका ठीक है पैसकॉन है ये सारे जो इंटरनेशनल मैनुअल्स हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ठीक है सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट इट मूविंग फर्दर आई होप यूर ग्रास्पिंग द थिंग्स बिकॉज ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री वन सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल सुल्तान ऑफ़ जौहर कप टाइटल ठीक है ये आपको पता होना चाहिए जर्मनी ने जीता है जर्मनी लिफ्टेड द सेकेंड सुल्तान जौहर कप टाइटल आफ्टर इलेवन ईयर्स किस को हराया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने थ्री वन ठीक है गोलकीपर एच एस मोहित मेड अ क्रूशल सेव इन देनल्टी शूट आउट एज द इंडियन जूनियर हॉकी टीम ऑल्सो एच पाकिस्तान सिक्स फाइव टू बैंक द ब्रॉन्ज तो जो इंडिया की जूनियर टीम है उन्होंने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया सिक्स फाइव में पाकिस्तान को और जूनियर कप उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पर इन्होंने ये जीत लिया है और जर्मनी ने इस चैम्पियनशिप को विन किया है और इसमें सेकेंड पोजिशन में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हारी है ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ जाननी रहेगी इसमें ये नाम याद रख एच एस मोहित इंडिया के ठीक कर, है क्रुशल सेव करके इन्होंने मैच जितवाया है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए आयुषियन थर्टी एट सी ड्रैगन अब ये क्या है अब देखिए ऐसे सवाल काफी आएंगे कि आपको बोल दिया जाएगा कोई टर्म दे दी जाएगी जैसे हमने ऊपर देखा बी सिक्स वन वन थ्री वो क्या है आपको अभी भूल गया दैट इज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब जो यूएसए ने डेवलप किया है जो चौबीस गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नागासाकी वाले हिरोशिमा वाले बॉम्ब से और चौदह गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नागासाकी वाले बॉम्ब से ठीक है तो ये आयुष थर्टी एट सी ड्रैगन क्या है इट इज़ अ मेरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट मेरीन पेट्रोल के लिए जो मेरीन सी हमारी जो नेवी है वो पेट्रोल करती है हमारा कोस्ट गार्ड है पेट्रोल करता है मेरी टाइम बाउंड्री को मेरी टाइम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जैसे ट्वेंटी सिक्स इलेवन टाइप अटैक्स ना हो उस चीज़ के लिए ये थोड़ा सा एक एक, एक, एक इनिशिएटिव है उसका तो ये किसने बनाया इंडियन नेवीज़ आयुषिन ठीक है क्या है ड्रैगन इज़ अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ठीक है इसने क्या किया है छियालीस साल हो गए हैं इसको सर्विस में एंड नाउ इट हैज यू नो बिड अडू इसको डीकमीशन कर दिया गया है जो इंडियन नेवी का ये जो मरीन uh, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है डी कमीशन कर दिया गया है आई एन ए एस थ्री वन फाइव इसको उन्नीस सौ सतहत्तर में कमीशन किया गया था विद द इंडक्शन ऑफ आई एल थर्टी एट एयरक्राफ्ट ऑल्सो आई एल थर्टी एट एयरक्राफ्ट हेराल्डिंगा मॉडर्न ऑफ एयरबान लॉन्ग रेंज मेरिटा अमरीकन आइसेंस आपने देखा होगा आई एल सेवेंटी एट एयरक्राफ्ट होता है एक ये एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जनरली लॉजिस्टिक्स के लिए या ट्रूप्स को फेरी करने के लिए यूज़ होता है टू ऑफ दीज एयरक्राफ्ट विल रिमेन स्टेशन परमानेंटली एट द नेशनल हेरिटेज म्यूजियम इन लोथल गुजरात एंड दूसरा कहाँ पे निपानी इन ठीक है दो चीज़ें इसमें याद रख लो ठीक है पहला तो देखिए इसका ये है क्या आयुषीन मरीन पेट्रोल है व्हीकल है ठीक है छियालीस साल हो गया इसको सर्विस में नाइनटीन सेवन में इट केम इन टू बींग इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट भी था तो दो एयरक्राफ्ट हैं वो हेरिटेज म्यूजियम में रखे जाएंगे पहला रखा जाएगा लोथल गुजरात में दूसरा निपानी सो so, लोथल इन कहाँ पे है गुजरात में और निपानी आपका कर्नाटका में सो दिस इज की इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस दिस इज अ मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का है फोर्टी सिक्स ईयर्स के साथ बाद डमीशन हो गया नाइनटीन सेवनटी सेवन में आया इसके दो जो एयरक्राफ्ट हैं उनको लोथल में और निपानी में हेरिटेज म्यूजियम में प्रिजर्व कर दिया गया है और शो केसिंग टू द पब्लिक ऑल राइट वेरी गुड लेट्स मूव फर्द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन महादेव बुक ये सीधे क्वेश्चन आएगा महादेव बुक जिसको रिसेंटली ब्लॉक किया गया ये किस चीज़ से रिलेटेड है तो अगर थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप शायद गॉड से भी इसको रिलेट कर सकते हैं बट लेकिन ये बैटिंग से रिलेटेड है आपको ये ध्यान रखना है महादेव यहाँ पे ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आई ई का आजकल काफ़ी न्यूज़ में है ये फाइनेंशियल टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग ये फाइनेंशियल टेररिज्म प्लस मनी लॉन्ड्रिंग को कब करने की इसका वो होता है मैंडेट इसके साथ इंटरनेशनली इस चीज़ के लिए जो बॉडी है उसका नाम है एफएटीएफ एफएटीएफ भी यही रोल करती है ठीक है तो क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू किए हैं ट्वेंटी टू एलिजिडली इीगल बेटिंग एप्स एंड वेबसाइट्स इंक्लूडिंग महादेव बुक एंड रेडी अन्ना प्रो एप्स ये दो एप्स हैं एक महादेव और एक रेड्डी अन्ना प्रेस्टो एप्स तो ये दोनों ऐप्स को ब्लॉक किया है किसके ऑर्डर पे किसके रिकमेंडेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया किसने है माई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है ये कहाँ पे ये ऐप कहाँ पे थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्वॉल्व थी कहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी महादेव ऐप किससे रिलेटेड है बैटिंग से ब्लॉक किसने रिकमेंड किया ईडी ने किया किसने माई ने तो ये छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी दूसरी जो ऐप ब्लॉक हुई है रेड्डी अन्ना प्रेस्टो अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप्स ठीक है ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपको थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ना है कैसे जो टेररिज्म वाला मनी है ऑर्गेनाइज क्राइम का मनी है वो हवाला के थ्रू या दूसरे चैनल्स के थ्रू इंडिया से बाहर लेके जाया जाता है फिर वो टेरर फंडिंग में उसको यूज़ किया जाता है तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से समझनी पड़ेंगी और विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ़ फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया राइट विच सिटी इज़ द होस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हर साल होता है इस बार इस साल कौन सा हुआ आपको ये याद रखना है फिफ्टी फोर्थ ये होता है कहाँ गोवा में होता है ये ठीक है फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा फ्राम नवम्बर बीस से अट्ठाईस तो ये अभी चल रहा है नवम्बर बीस से अट्ठाईस अट्ठाईस तरीक को ख़त्म होगा इसमें डिफरेंट फिल्म फीचर की जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको कंट्रोल करता है uh, जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो भी उनका भी काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीएससी के थ्रू ही वो सिलेक्शन होती है उनकी ठीक है तो इसमें दो चार चीज़ें थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है पहली तो हमने पढ़ ली कि गोवा में हुआ है दूसरा कैचिंग डस्ट कैचिंग डस्ट कैचिंग डस्ट नाम की मूवी है इट इज अ ब्रिटिश मूवी कैचिंग डस्ट इज अ ब्रिटिश मूवी ठीक है इट इज अ ब्रिटिश मूवी एंड इट वॉज द फर्स्ट इस मूवी से इस फेस्टिवल की ओपनिंग की गई अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा विच मूवी वो स्क्रीन एट द ओपनिंग फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका नाम कैचिंग डस्ट होगा ब्रिटिश मूवी है ठीक है और खत्म का कंक्लूजन किस मूवी से होगा अमेरिकन मूवी है क्लोजिंग मूवी और इसके जो मिड फेस्ट होता है एक तो इन, एक तो इनोगरल सेरेमनी होगी क्लोजिंग मिड फेस्ट जो मिडिल ऑफ फेस्टिवल में होगा उसमें एक टर्किश मूवी टर्किश मूवी प्ले की जाएगी अबाउट ड्राई ग्रासेस ड्राई ग्रासेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री और मूवी विल बी प्लेड ठीक है ये एक तीन चीज़ें होगी पहला क्या है पहला आपने देख लिया कैचिंग डस्ट इस ये ओपनिंग में प्ले की जाएगी फेदर वेट अमेरिकन मूवी है क्लोजिंग में प्ले की जाएगी और टर्किश मूवी अबाउट ड्राई ग्रासेस विल बी द फेस्ट मूवी ऑल राइट आई होप इट्स क्लियर टिल हेयर तो ये बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट यू हैव इसमें लाइफ टाइम सत्य सो ऑल राइट सो सत्यजीत रे सुवर सिंह सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ठीक है ये इसी हर साल देता है इस साल किसको मिला है माइकल डगलस माइकल डगलस हैज़ बीन अवॉर्डेड सत्यजीत रेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस ईयर ही इज़ अ हॉलीवुड हॉलीवुड स्टार ठीक है ये नौ दिन का फेस्टिवल होता है टू हंड्रेड एंड सेवेंटी से ज़्यादा फिल्म यहाँ पर स्क्रीन की जाएंगी एंड द ओपनिंग फिल्म इन द फीचर सेक्शन विल बी द मलयालम फिल्म अट्टम एंड नॉन फ्यूचर में एंड्रो ड्रीम्स में मणिपुर तो ये दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं फिर से एक बार हम देखेंगे एक बार इसको तो जो फीचर फिल्म फीचर सेक्शन में जो फिल्म स्क्रीन की जाएगी ओपनिंग फिल्म दैट विल बी अट्टम ए ए डबल टी एम अट्टम इट इज अ मलयालम फिल्म मलयालम सो मलयालम फिल्म इन द विच सेक्शन फीचर सेक्शन दूसरी आपकी जो है नॉन फीचर सेक्शन में एंड्रो ड्रीम्स सो दिस इज एंड्रो एंड्रो ड्रीम्स दिस इज अ मणिपुरी फिल्म दिस इज अ मनीपुरी फिल्म ठीक है ये आपकी नॉन फीचर सेक्शन में स्क्रीन की जाएगी नॉन फीचर सेक्शन ऑल राइट सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कौन सा है द नंबर यू हैव टू रिमेंबर नंबर इज इट इज द फिफ्टी फोर्थ ठीक है फिफ्टी फोर्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देन इट विल बी हेल्ड इन गोवा कब से कब तक बीस से लेके अट्ठाईस बीस से अट्ठाईस नवंबर से अट्ठाईस नवंबर यह नौ दिन का फेस्टिवल होता है नाइन डे फेस्टिवल इट इज ठीक है इसमें हमने पहले देखा ओपनिंग फिल्म कौन सी होगी ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट क्लोजिंग फिल्म कौन सी होगी अमेरिकन फिल्म फेदरवेट और टर्किश फिल्म विल बी टर्किड फाइज फिल्म अबाउट ड्राई ग्रासेस ठीक है सत्यजीत रे अवार्ड किसको मिला हमने माइकल डगलस को दिया राइट और फीचर कैटेगरी में अटम विच इज अ मलयालम फिल्म एंड नॉन फीचर कैटेगरी में ड्रीम्स एंड्रोड्रीम्स ड्रीम्स विल बी स्क्रीन सो दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कल्चर में आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि पूछ सकते हैं आपको इस तरह से भारत रत्न अवार्ड हैं, वो कब इनि, इनिशिएट हुए थे किसको मिले थे वो सब चीजें आपको थोड़ी सी इसमें याद रख लेनी है। right. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच स्टेट साइन द अग्रीमेंट विद द नाइन स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ठीक है अब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में आप जब कोविड हुआ था यू मस्ट है अपना सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट छोड़ के अपने गाँव में सब लोग गए उसकी वजह से कितना इनको दिक्कत हुआ अब थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करें हम कि माइग्रेंट वर्कर्स की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं ये एग्रीमेंट वैसे साइन किसने किया किस स्टेट ने किया नाइन स्टेट के साथ झारखंड ने बिकॉज इट हैज़ अ वेरी वेरी लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड की ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज्यादा तो ठीक है तो कौन सी स्टेट ने ये साइन किया है ये हमने झारखंड ने अब माइग्रेंट वर्कर्स का क्या है माइग्रेंट वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स ठीक है फर्स्ट प्रॉब्लम इनको क्या आती है कल्चरल कल्चरल इश्यूज हैं जब ये अपनी न्यू प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट uh, में जाते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल बिहार से झारखंड से या नॉर्थ ईस्ट से वर्कर्स आएंगे वो साउथ में जाएंगे तो उनको कल्चरल क्लैश मिलेगा लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी उसमें लैंग्वेज का इशू उनको फेस करना पड़ेगा ठीक है दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज उसके साथ ही दे विल ऑल्सो रिगार्डिंग बेटर पेमेंट्स उनको पेमेंट का इशू रहेगा कि और डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द लोकल पीपल हो सकता है अगर हम लोकल लोगों की बात करें तो उनको एक एसिमिलेट करने में एक्सेप्टेंस एसिमिलेट या एक्सेप्ट करने में ट्राइबल पीपल को या माइग्रेंट पीपल को फ्राम रेलटिवली uh, जो कम डेवलप्ड जगहें हैं जैसे यूपी बिहार में काफ़ी पॉवर्टी है तो वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट करने में तो उसकी वजह से एक कल्चरल हिट्रोजेनिटी क्रिएट हो जाती है कल्चरल ठीक है कल्चरल एक्सेप्टेंस कम होएगी कल्चरल एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस कल्चरल एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ विच बिकॉज ऑफ विच यू नो क्लैश कैन हैपन जैसे हमने देखा था कि टू थ्री इयर्स बैक थ्री फोर ईयर्स बैक देर वॉज दिस न्यूज ऑफ यू नो अटैक्स ऑन पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सो दे हैड टू फ्ली उनको भागना पड़ा जैसे हम महाराष्ट्र में काफ़ी मराठा रिजर्वेशन की बात होती है और बिहारीज एंड अदर पीपल उनको शिवसेना और जो एम एन एस है वो अटैक करती है ताकि आप आ, लोकल जॉब्स पे वो कैप्चर कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारी जॉब्स पे थ्रेट हो रहा है तो इस तरह से ये जो डायनमिक्स है माइग्रेंट लेबर को लेके इसको थोड़ा सा आपको समझ समझेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम वापस आएँ झारखंड के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे झारखंड झारखंड कहाँ पे है अगर हम इंडिया का मैप थोड़ा सा जल्दी से बना लें ठीक है मैप ऑफ इंडिया ठीक है ये जो एरिया आपका दिस ऊपर बिहार है आपका इधर जो एरिया ये दिस इज झारखंड सो इट इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है ईस्टर्न पार्ट में है तो यहाँ पे काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है जब 2000 में ये स्टेट बनी है बिहार से बिहार से कट के बनी है तब इसलिए बनी थी कि यहाँ पे ट्राइबल राइट्स को लोगों को लगा कि हमारे ट्राइट्स हमें नहीं मिल रहे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ लेबर्स हु मूव आउट ऑफ द स्टेट फॉर वर्क ठीक है अब झारखंड से काफ़ी काफ़ी मेजॉरिटी जो लोग बाहर की स्टेट्स में काम कर रहे हैं उनमें झारखंड इज़ अ बिग स्टेट झारखंड इज़ अ बिग स्टेट मेजॉरिटी पीपल हु माइग्रेट ठीक है तो इसने कहा कि ये झारखंड की सरकार ने नौ स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है अपने स्टेट से गए हुए जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए जैसे हमने पहले एक बैकग्राउंड स्टडी किया कि उनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वट आर द प्रॉब्लम्स दैट द फेस तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को थोड़ा हल करने के लिए उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती है डिफरेंट डिफरेंट सरकारें ठीक है, है तो झारखंड की सरकार ने ये स्टेप लिया उसके अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल विद द स्टेट जो स्टेट हर स्टेट का अपना लेबर डिपार्टमेंट होता है ठीक है वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है तो जो झारखंड का लेबर डिपार्टमेंट है ठीक है द झारखंड लेबर डिपार्टमेंट उसके पास जो डेटा अवेलेबल है ठीक है माइग्रेंट कंट्रोल रूम में फाइन देर आर ओवर पंद्रह लाख रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम झारखंड इन अदर स्टेट्स तो दिस अ बिग नंबर झारखंड so, से जो माइग्रेंट लेबर्स बाहर काम करने जाते हैं उनकी संख्या है पंद्रह लाख फिफ्टीन लाख माइग्रेंट वर्कर्स फिफ्टीन लाख माइग्रेंट वर्कर्स ठीक है हाउ द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स इज क्लोज टू फिफ्टी लाख देखो ये पंद्रह लाख सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, इसमें ऐड कर दो पचास लाख अनरजिस्टर्ड। अब ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं। फाइव लैख की इससे भी ज्यादा हो सकते हैं तो उन ट्राइबल वर्कर्स के लिए माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सरकारें स्कीम चलाती हैं तो आपको इसके साथ साथ थोड़ा सा ये दो तीन आप एक्ट पढ़ रहे पढ़ लें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसके साथ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इसका क्या माइग्रेंट वर्कर्स पे इफेक्ट पड़ेगा वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ठीक है तो ये थोड़ा सा था माइग्रेंट लेबर्स के बारे में उनके वेलफेयर के बारे में इसी तरह बाकी स्टेट्स भी आ, स्टेप्स लेती हैं इस सेंस में तो दिस इज ऑल लेक्चर हेयर वी अंडरस्टैंड दे डिफरेंट फेस ऑफ कि कैसे डिफरेंट तरह के इश्यूज प्रॉब्लम्स आती हैं माइग्रेंट्स के बारे में पढ़ा फिर हमने इससे पहले हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में पढ़ा ठीक है वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट उसके डायनमिक्स समझे फिर हमने बैटिंग के बारे में पढ़ा फिर हमने कॉम्बैट uh, एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ा देन वी स्टडीड अबाउट दिस जौहर कप एंड साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो हमने पढ़ा एम कवच क्यों बनाए बॉट रिमूवल के लिए है आर का हमने रोल पढ़ा आर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फिर ये स्वीडन की कंपनी साब के बारे में हमने पढ़ा इसको हंड्रेड वो मिला है एफ में शोल्डर फायर रॉकेट्स बनाने के लिए और स्टाम के बारे में ये जो, जो जोग्राफी का टॉपिक था इस तरह से वो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स और हम कोशिश करेंगे कि इन, इनको इन डेप्थ कवर करें सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टूडेज लेक्चर We will try to uh, come up with uh, such insightful uh, discussions on, you know, different topics. So until then, I think it's a goodbye from me. I hope uh, you try to revise these topics. And for any doubts and qu queries, you can definitely, you know, drop a message on the WhatsApp uh, given in the description. Thank you so much, friends. Jai Hind.